लच्छू महाराज भारत के विश्व प्रसिद्ध तबला वादक हैं। इनका असली नाम लक्ष्मी नारायण सिंह था। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के बनारस में 16 अक्टूबर 1944 को हुआ था। लच्छू महाराज ने अपने तबला वादन के लिए देश विदेश में नाम कमाया, साथ ही उन्होंने कई बॉलीवुड फिल्मों में काम किया। उन्होंने कई प्रसिद्ध फिल्मों के लिए कोरियोग्राफी भी की। महल, मुगले आजम, छोटी छोटी बातें और पाकिजा जैसी फिल्मों से वे जुड़े। जब वो सिर्फ 8 साल के थे तो उन्होंने पहली परफॉर्मेंस मुंबई में दी थी। इमरजेंसी के दौरान महाराज ने जेल के अंदर विरोध के लिए तबला बजाया था। उन्हें 1957 में संगीत नाटक अकादमी अवार्ड दिया गया था। यह परफॉर्मिंग आर्टिस्ट को दिया जाने वाला सबसे बड़ा अवार्ड माना जाता है। लच्छू महाराज ने पद्मश्री से लेकर कई अवार्ड लेने से मना कर दिया था। पद्मश्री अवार्ड उन्होंने यह कहकर लेने से मना कर दिया था कि मेरे लिए दर्शकों की तालियां ही सम्मान है। उनके पिता का नाम वासुदेव महाराज था। लच्छू महाराज कुल 12 भाई बहन थे। सभी भाई बहनों में वे चौथे नंबर के थे। लच्छू महाराज का गोविंदा से भी रिश्ता है। दरअसल लच्छू की बहन निर्मला एक्टर गोविंदा की माँ है। लच्छू ने फ्रेंच महिला टीना से शादी की थी, जिससे उनकी एक बेटी है जिसका नाम नारायणी है। लच्छू महाराज पूर्वी राग के अलावा 4 तबला घरानों की तबला शैली में भी निपुण थे। देश ही नहीं, दुनिया के कई बड़े मंच पर उन्होंने तबला वादन से लोगों का दिल जीता है। लच्छू महाराज ने कभी किसी की फरमाइश पर तबला नहीं बजाया, वह अपने मन से तबला वादन करते थे। लंबे समय तक बीमार रहने के बाद 27 जुलाई 2016 को वाराणसी में लच्छू महाराज का निधन हो गया। आखिरी समय में उन्होंने कहा था, कल देखना गुरु, संगीत से एक आदमी नहीं आएगा कि लच्छू महाराज मर गया। लच्छू महाराज के प्रदर्शन को देखकर महान तबला वादक अहमद जान थिरकवा मंत्रमुग्ध हो गए थे। उन्होंने कहा था, काश लच्छू मेरा बेटा होता। 2018 में उनके जन्मदिन पर गूगल डूडल में गूगल ने अपने होम पेज पर लच्छू महाराज की एक पेंटिंग बनाई है, जिसमें लच्छू जी महाराज गाते और तबला बजाते दिख रहे थे। तो ये थी प्रसिद्ध तबला वादक लच्छू महाराज के विषय में थोड़ी सी जानकारी। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। ऐसी अनेकों जानकारियां पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।